या आज की लिस्टिंग आपके दो सौ तेहत्तर दो दो तीन तीन ऊपर लिस्ट होता है जैसे हम बात भी रहे थे यहां ऐसा कि इशू को रेस्पॉन्स बहुत ही कम मिला था हाँ। मुश्किल से दो गुना से कम वन पॉइंट एट सिक्स हुआ था तो ज्यादा रेस्पॉन्स मिला नहीं हमने एडवाइज ये किया था कि भाई जो हाई रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर्स हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाए ये जब कम सब्सक्रिप्शन वाले आईपीओ में और ऐसे माहौल में जब आईपीओ में लिस्टिंग पर पैसा न बढ़ रहा हो उसके बावजूद जो लोग पैसा लगाते हैं वो सोच समझ कर लगाते हैं या तो वो लॉन्ग टर्म के लिए लगा रहे हैं तो उन्हें ऊपर नीचे लिस्ट हो जाए तो फर्क नहीं पड़ता या उन्हें लगता है कि शॉर्ट टर्म के लिए वो लगाते हैं उन्हें पता है कि चूंकि फ्लोटिंग कम है तो हो सकता है बाजार बाद में आगे बढ़ जाए तो ये ये स्टॉक बाद में आगे बढ़ जाए चाहिए शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स अपना सुटेबल इन्वेस्ट स्टॉक हो सके जो उन्हें ठीक लगे जितनी रिस्क वो रखना चाहें वो दो होना चाहिए दो होना चाहिए दो आपकी जो मर्जी वो रख लीजिए स्टॉकर्स की छूट है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स जो रिस्क लेने वाले हैं जिनके लिए हमने कही था कि उन्हीं के लिए है तो वो अपने पोर्टफोलियो में रखकर होल्ड कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं